Yes. ओके गाइस, सो एज यू कैन सी, आज का जो अभी अभी वाला टॉपिक हमारा होने वाला है वो पिछले क्वेश्चन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं वहां पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा था एंड उसी को हम लोग एज ए बिजनेस एग्जांपल्स के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के टाइम पे जो सीएसआर इनिशिएटिव्स हैं, जो जो सीएसआर है वो किन किन कंपनीज ने लिया है इनिशिएटिव्स और किस किस तरीके से लिया है, ठीक है ना। क्या क्या तरीका रहा है उनका इनिशिएटिव्स को लेने का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो पॉइंट वाइज करेंगे और एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। क्वेश्चन ये है कि स्टेट सम ऑफ द सीएसआर इनिशिएटिव्स ऑफ द इंडियन कंपनीज। अगर ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन एग्जाम में ना भी आए तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इन कंपनीज का नाम, इन कंपनीज का जो ये जो इनका इनिशिएटिव है, आप इसको अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इधर वे आपको जो है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ दिया जाए ये क्वेश्चन, या फिर इनडायरेक्टली ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको ये एग्जांपल्स को यूज करने की आवश्यकता पड़े, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो टाटा का जस्ट एक सब्सिडियरी है टाटा केमिकल्स। टाटा अपने आप में, टाटा तो बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं। बस अभी हम सिर्फ बात करें टाटा केमिकल्स के बारे में। नाम से पता चल रहा है कि ये केमिकल इंडस्ट्री में है ना। केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो सामान होते हैं, वो ये लोग बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो काम है ये बहुत ही खतरनाक है। केमिकल नाम सुन के ही पता चल रहा है कि रसायन है। ये सारी चीजें जो है वो हेल्थ के लिए, ह्यूमंस के लिए अच्छी नहीं होती है। बट अगर आपको किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको केमिकल रिएक्शन करके केमिकली ही बनाना पड़ेगा, राइट। सो उसी के बारे में देखो इन लोगों ने क्या किया है। सो टाटा केमिकल्स लिमिटेड हैज स्पेंट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फॉस्टरिंग सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन द कम्युनिटीज वेयर इट ऑपरेट्स इज सेंट्रल टू टाटा केमिकल्स कॉर्पोरेट फिलोसफी, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनकी तारीफ की गई है कि जो टाटा केमिकल्स लिमिटेड है इसने काफी समय, टाइम, पैसे स्पेंड किए हैं ताकि जो है लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको एक तरीके से फॉस्टर किया जा सके, बढ़ाया जा सके, आगे की तरफ लेकर के जाया जा सके, है ना। और इनका जो मेन थीम है, जो इनकी फिलोसफी है, वो यही है कि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना है बाई मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। इन ऑर्डर टू डू सो, ये इस चीज को करने के लिए टाटा केमिकल्स ने क्या किया, टाटा केमिकल्स ने स्टैब्लिश किया टाटा केमिकल्स सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन 1980। तो 1980 के दशक में, आज से तकरीबन 43 साल पहले, 43 years ago, दे हैव एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप बोल सकते हो, क्या नाम है उसका, टाटा केमिकल्स सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट। और ये नाम से पता चल रहा है कि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है, गांवों के विकास के लिए है ना। क्योंकि 1980 में सोसाइटी एंड ट्रस्ट इट लेज इम्फेसिस ऑन द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग द बेनिफिशियरीज एट ईच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस विद इंश्योर्स वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम फर्नांडिस 2019। सो इट्स अ काइंड, ये जो फर्नांडिस 2019 आप देख रहे हैं, ये एक तरह का पत्रिका आप बोल सकते हैं जहां पे इसके बारे में बताया गया था कि इसका जो मेन इम्फेसिस है वो ये है कि जो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट है। देखो डेवलपमेंट एक ही बार में नहीं होता, डेवलपमेंट स्टेज वाइज होता है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे लोगों को उसका फायदा भी मिलना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट बेहतर बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, पुराने वाले से बेहतर प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। सो ये जो आप बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं पहले के मुकाबले, ये भी एक तरह का सीएसआर इनिशिएटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द सोसाइटी, विच इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। बाकी ये लोग फंड वगैरह तो देते ही हैं, पैसे वगैरह इन्वेस्ट करते ही हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, है ना, वो तो एक चीज है ही। सो अराउंड 30% ऑफ द TCSRD, 30% जो TSRD फंड हैं आर स्पेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। जंगलों में जो लोग, सॉरी लोग नहीं, जो जानवर रहते हैं, जो जो पशु पक्षी रह रहे हैं जंगलों में, उनका ख्याल रखना, पशु पक्षी का नहीं। अगर आप जंगल का ख्याल रखेंगे तो पशु पक्षी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, है ना, उनका अलग से ख्याल नहीं रखना होगा। मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली लाइफ है, उसको कंजर्वेट करना, उसको उसके कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान देना। तो दिस इज देयर पॉइंट, ठीक है। सो द अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थ्री प्लेसेस द कंपनी ऑपरेट्स। तो इन अमाउंट को तीन जगहों पे दिया जाता है जहां जहां पे कंपनी ऑपरेट करती है। मीठापुर गुजरात में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, एंड बाबराला बाबराला उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये तीन जगह पे ये कंपनी ऑपरेट करती है और इन तीनों जगहों पे ये लोग जो है अपने TCSRD फंड का 30% जो है ये लोग इसी काम में
यूज करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो ठीक तरीके से हो पाए। टाटा केमिकल्स नाम सुन के पता चल रहा है कि एक तरीके से आपके एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएगा, इधर वे ये हार्म तो पहुंचाने वाला है, तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए ये लोग जो है इस काम को करते हैं, कम से कम कर तो रहे हैं, कई सारी कंपनीज तो करती ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। नाउ सेकेंड पॉइंट है इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड द इन्फोसिस फाउंडेशन इन 1996। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की, आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर्स बनाती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टैक्स का जो पोर्टल है, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, जहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उसका उस पोर्टल को पूरा का पूरा बनाने का काम जो है इन्फोसिस को मिला था। गवर्नमेंट ने 420 करोड़ रुपए, तकरीबन ये 420 या 640 ऐसे कुछ है अमाउंट, सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए दिया। और बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, पहले के मुकाबले तो काफी अच्छा है मैं बोलूंगा, एंड काफी इजी टू यूज है। ठीक है ना, सो इस कंपनी को मिला तो ये तो आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि 1996 में डेवलप की गई थी, टू इम्प्लीमेंट इस सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके जरिए वो अपने सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। द मेजर वर्क ऑफ द फाउंडेशन वर्क इंक्लूडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ आरोहम, ठीक है, आरोहम सोशल इनोवेशन अवार्ड, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन कर्नाटका, सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेट्रो स्टेशन इन पार्टनरशिप विद बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनेबलिंग द परसूट ऑफ एक्सेस एंड एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स थ्रू द गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो इसके बहुत सारे काम है, इसके एक काम नहीं है, बहुत सारी चीजों में अपने पैसे को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करती है। सबसे पहला काम तो इनका ये है कि ये आरोहन सोशल इनोवेशन अवार्ड देती है लोगों को, ऐसे लोग जो कि नई नई चीजों को इनोवेट करते हैं, है ना। नई इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है हमारे इंडिया में, अगर चीजों को काम सरल बनाना है और इजी टू यूज बनाना है तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। तो जो लोग अच्छे इनोवेशन करते हैं उनको सपोर्ट करना। अवार्ड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको जो है सिर्फ एक ट्रॉफी दे दी गई, ट्रॉफी के साथ आपको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप इनोवेशन को मार्केट में लेकर के आ सकें, है ना, और या फिर आप अपने इनोवेशन को और एक स्टेप फर्दर लेकर के जा सकें। तो इस तरह की चीजें जो है वो लोग करते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन कर्नाटका, जो कर्नाटका की जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब है, नदियां हैं, उन सब चीजों को एक तरीके से वो चीजें प्रोवाइड करना, राइट। सो वो सारी चीजें हैं। सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन किसी मेट्रो स्टेशन को, है ना, एक मेट्रो स्टेशन को, मतलब एक टाइम पे मान लो एक मेट्रो स्टेशन इन लोगों ने चुना और उसको उन लोगों ने डेवलप किया विद पार्टनरशिप विद टू द पार्टनरशिप विद बैंगलोर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। अभी जो कंपनी है ये आपको पता है कि कर्नाटका बेस्ड है, इन्फोसिस की ऑफिसेस मुंबई में भी हैं, लेकिन जो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, इसके जो फाउंडर हैं कृष्णमूर्ति बेंगलुरु और में समथिंग कुछ नाम है इनका, इनका नाम नहीं याद आ रहा, एंड काफी मिस नेकेट फेमस आपका पर्सनैलिटी है। हाँ मूर्ति सर, करके कही, कुछ मूर्ति करके है ना सर। हाँ, कृष्णमूर्ति और कुछ है, काफी फेमस पर्सनालिटी है, इनके मिसेस भी काफी फेमस पर्सनालिटी है। एक चीज और बताता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जो यूके के पीएम है ना, हाँ यूके के पीएम ऋषि सुनक, इनका दामाद लगेगा, ठीक अच्छा है, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं उनके दामाद हैं यूके के पीएम ऋषि सुनक। सो काफी एक प्राउड मोमेंट, प्राउड वाली बात भी है हमारे लिए कि वहां का पीएम जो है हमारे इंडिया का दामाद है, आप बोल सकते हैं। हालांकि दोनों ही इंडियन है, ऋषि सुनक भी इंडियन है और उनकी मिसेज जो है, जो इनके मम्मी पापा हैं, वो तो इंडियन है ही, ठीक है, तो वो एक बात है। जो मेट्रो है उसको एक तरीके से डेवलप करना, एंड एक्सेलेंस जो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, जहाँ पे ये लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, नॉट ओनली क्रिकेट बट अदर स्पोर्ट्स को, लोगों को किट्स प्रोवाइड करना, ऐसे प्लेयर्स जो कि डिजर्विंग है, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको किट्स प्रोवाइड करना ताकि वो लोग और बेहतर कर सके, है ना। उस तरह की चीजें जो है ये लोग करते हैं थ्रू आउट साउथ इंडिया, बोल सकते हो, यहाँ पे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का नाम है। सो ये वो सारी चीजें जो है वो लोग करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल का आपने नाम सुना होगा। रिसेंटली इस कंपनी को बेचने की बात हो रही थी। इस कंपनी का शेयर मुझे याद है 60-64 रुपए के आसपास था, अभी के टाइम पर 400 रुपए के आसपास। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बिल्कुल गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि भाई इस कंपनी को बेचना है। जब आप किसी कंपनी को बेचते हो तो क्या करते हो कि आप अपने ओनरशिप को घटाते हो, तो आप जब अपना ओनरशिप घटाओगे तो किसी प्राइवेट कंपनी को बेचोगे, और जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है मार्केट में बूम आता है, किसी भी कंपनी का मार्केट बड़ा शेयर अचानक से बढ़ जाएगा अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो, ठीक है। जैसे LIC का ही 10% शेयर जो है कंपनी ने बेचा है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर LIC के शेयर्स को बेचा जाए, और जब इसका पॉपुलैरिटी, आई मीन जो इसका शेयर जो होल्डिंग है वो अगर मोर देन 50% पब्लिक के पास चला जाए, पब्लिक के पास तो हालांकि 5% भी नहीं जाएगा, मुझे पता है नहीं जाता है, ज्यादातर जो है फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं,
वो जो बाहर के होते हैं उसको FII बोला जाता है, लोकल वालों को DII बोला जाता है। तो वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इसके कारण से इसका प्राइस जो है काफी बड़ा हुआ है। तो नाम से पता चल रहा है भारत पेट्रोलियम BPCL काफी एक बड़ी कंपनी है, एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि काम करती है गवर्नमेंट के लिए। और इनका मेन एक्चुअली काम है ऑयल प्रोडक्शन, नॉट ओनली प्रोडक्शन बट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपने इसके बहुत सारे पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, इवन जो गैसेस दी जाती हैं LPG जो आता है वो भी BPCL का है, HP का है, इंडेन का है, बहुत सारी कंपनीज हैं और सारी की सारी जो है आपकी गवर्नमेंट कंपनीज है, प्राइवेट कोई नहीं है। पेट्रोल बांटने के मामले में एक सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है रिलायंस। ठीक है, जिसके स्टोर, जिसके पेट्रोल पंप हम लोग को हर जगह नहीं दिखते हैं बट बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, वो हो गया। BPCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL इज अ पार्ट ऑफ CSR इनिशिएटिव। ठीक है, फोकस इज ऑन इम्पार्टिंग होलिस्टिक एजुकेशन बाय फैसिलिटेटिंग अ यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो इनका जो CSR इनिशिएटिव है, ये इसके तहत क्या कर रहे हैं, अपने इनिशिएटिव के तरह तहत लोगों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा एजुकेशन जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ना। कोई बहुत बड़ा सा स्कूल है लेकिन वहां पे अगर स्मार्ट क्लास नहीं है, अगर आप वहां पे प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर लोगों को, बच्चों को दिखा करके नहीं पढ़ा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मतलब फायदा है डेफिनेटली, अभी के टाइम में जितने भी सारे स्कूल्स हैं सबके पास तो ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करने का मतलब है कि आप बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें आप करके बता रहे हैं। अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ाना है तो सिर्फ किताब में नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि उस केमिकल रिएक्शन को पर्टिकुलरली आप लैब में परफॉर्म करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दैट इज दे आर प्रोवाइडिंग इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आप बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीजें वो लोग कर रहे हैं। एडिशनली BPCL CSR philosophy also includes participation in projects of national importance like Swachh Bharat Abhiyan involving creation and maintenance of toilets. ठीक है, associated sanitation facilities, waste management initiatives leading to overall health and hygiene of the community. ये एक बहुत बड़ा चीज है, स्वच्छ भारत अभियान। आपने नाम सुना होगा, काफी पहले लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुल भी रहा जी एक टाइम सर, पे, बट वो होता है ना कि लॉन्च होने के बाद तो चलता है लेकिन तुरंत लोग भूल जाते हैं उस चीज को, नेचर ही हमारा वैसा हो। लोगों को याद रखना चाहिए इन सारी चीजों को, और इसी को लेकर के जो है BPCL काम करती है, लोगों को अवेयर करती है स्वच्छ भारत को लेकर के। एंड उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टॉयलेट्स बनवाते हैं, उनका मेंटेनेंस का काम करते हैं, एंड जो सैनिटेशन फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, जो चीजें, जो कचरा हम लोग फेंकते हैं उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। बहुत सारे ऐसे कपड़े, चीजें होती हैं, कचड़े होते हैं जिसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, वापस से उसका यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल, रिसाइकलेबल, तो उनको अलग कर दिया जाता है और उसको वापस से यूज में लाया जाता है। तो ये जो काम है वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है ये वो लोग करते हैं और ओवरऑल हेल्थ एंड हाइजीन प्रोवाइड करते हैं टू द कम्युनिटीज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अमंग द वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्टेड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा आर नन्ही कली प्रोग्राम। ठीक है, काफी नाम अच्छा है, नन्ही कली प्रोग्राम टू प्रोवाइड एजुकेशन सपोर्ट टू अंडर प्रिविलेज गर्ल्स इन इंडिया। ठीक है, ऐसे गर्ल्स जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं। एक मिनट जरा सा गाइस, ठीक है। एक तरीके से वो सारी जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, ऐसे गर्ल्स जिनको पढ़ाई नहीं मिल पा रहा, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, जिनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको वो चीजें प्रोवाइड कराने के लिए जो नन्ही कली का प्रोग्राम है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्टार्ट किया है। ठीक है, इट स्पॉन्सर्स लाइफ लाइन एक्सप्रेस, हॉस्पिटल ऑन ट्रेन। ठीक है, ये एक लाइफ लाइन एक्सप्रेस भी चलाते हैं जहाँ पे ये लोग ट्रेन में हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रेन में हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं एक्चुअली, कि अगर ट्रेन में किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको जो है सारी सुविधाएं मिल सके जो कि उसको उसको चाहिए, या किसी भी तरह का मेजर इशू अगर किसी के साथ हो जाता है, वो चीजों को टैकल करने के लिए जो है ये लोग हॉस्पिटल ट्रेन में प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल तो नहीं बट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज है वो करते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल इंटरवेंशन टू इंडिविजुअल्स। अगर सर्जरी करने की आवश्यकता पड़े तो वो भी किया जा सकता है ट्रेन्स में, है ना। अब सारे ट्रेन्स में तो ये नहीं है बट दे आर डूइंग दिस, इस तरह की चीजें वो लोग कर रहे हैं। थ्रू महिंद्रा हरियाली 0.95 मिलियन ट्रीज वेयर प्लांटेड। सो ये एक प्रोग्राम है महिंद्रा हरियाली जहाँ पे वो लोग 0.95 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो तकरीबन साढ़े नौ लाख 9.5 लाख ट्रीज उन लोगों ने प्लांट किया है या करवाया है, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंप्रूविंग ग्रीन कवर एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इन द कंट्री। ठीक है,
पांचवा पॉइंट है वेदांता अर्चना बेटा, आप चलो मैं आता हूँ, चलो ना यहाँ ऐसे क्यों खड़े, ठीक है। सो वेदांता लिमिटेड, सो द सीएसआर पोर्टफोलियो ऑफ वेदांता हैज डाइवर्स प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन 10 बोर्ड थीमेटिक एरियाज रनिंग अक्रॉस वेरियस लोकेशंस, ठीक है। सो वेदांता काफी एक फेमस कंपनी है, एक टाइम पे तो बात हो रहा था कि इसको डिलीस्ट कर दिया जाएगा शेयर मार्केट से, बट ये हुआ नहीं, और काफी बड़ी कंपनी है, काफी ज्यादा डिविडेंड वगैरह देती है। तो सीएसआर पोर्टफोलियो, सीएसआर के काम भी ये करती है, जहां पे ये लोग क्या करते हैं, 10 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज, अब इनका थीम बेस्ड एरिया है ना, कि ये इस काम के लिए है, वो उस काम के लिए है, सब तो वैसा ही होता है। सो थीमेटिक एरियाज इन लोगों ने चूज किया है, जहां पे ये लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे उनके ऊपर काम करते हैं। द नंदघर प्रोजेक्ट, नंदघर प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, विच एम्स एट रीबिल्डिंग आंगनवाड़ीज। आंगनवाड़ी का आपने नाम सुना होगा, जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को जी स्कूल भेजने से पहले आंगनवाड़ी में भेजा जाता है। तो आंगनवाड़ी जो होता है, जो सर, सरकारी एक तरह से स्कूल ही है, उसको रीबिल्ड करने का काम जो है वेदांता करती है, ठीक है। टू इंश्योर हेल्थ एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल एरियाज में उनको अच्छा हेल्थ और अच्छा लर्निंग मिल सके, इसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। एंड फॉर स्किलिंग एंड एम्पावरिंग वेमेन एज वेल। अब वहां पे देखना, आंगनवाड़ी में जितने भी लोग होंगे सारे वेमेन्स होंगे, चाहे वो पढ़ाने वाले हों या खाना खिलाने वाले हों, जितने भी लोग होंगे सब मोस्टली वेमेन्स ही होती हैं, ठीक है। तो उनके स्किल को डेवलप करना, उनको एम्पावर करने का काम भी जो है वो लोग करते हैं। छठा पॉइंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, है ना। इंडियन ऑयल हैज बीन इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज अक्रॉस द नेशन। मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर फॉर्मिंग आर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन है, गरीब लोग, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, धारावी जैसे जगहों में रहने वाले लोग, ठीक है ना, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम जो है IOCL करती है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड मतलब एकदम जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम लाइफ है, जो मेन स्ट्रीम लाइफ है लोगों के रहने का इंडिया में, उनसे भी वो लोग कट करके रहते हैं, एकदम अलग होकर के रहते हैं। मार्जिनलाइज होने का मतलब ये है कि वो लोग एकदम कट करके रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करना। द की थ्रस्ट एरियाज ऑफ द कंपनी इंक्लूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी लोगों को मुहैया कराना, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं जहां से पानी आता है उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो खराब हो जाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा, वो करना। हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो लोग खर्च करते हैं। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमारे इंडिया में ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्किल्स पे था, कि भाई बच्चों को क्लास 1 2 3 4 5 10 11 12 कॉलेज बस इतना ही, लेकिन अभी के टाइम पे ध्यान दिया जा रहा है वोकेशनल स्किल्स के ऊपर, ऐसे काम सिखाओ जिसके जरिए कोई रोजी रोटी कमा सके, ठीक है ना। हमारे इंडिया में भी इस तरह का एक प्रोग्राम चल रहा था, स्किल्स इंडिया, अभी भी चल रहा है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरह की चीजें भी हैं। सो वोकेशनल स्किल्स, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स, ये वो सारी चीजें हैं जो कि IOCL कर रही है। गवर्नमेंट के भी इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, या पता होता भी है तो वो उतने ईगर नहीं होते हैं उस काम को लेकर के। नहीं तो इतने सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के ना, कि मैं क्या बताऊं, ठीक है, उसको गूगल पर सर्च किया तो बहुत कुछ निकल करके आ जाए। सो वो है। सातवां नंबर पॉइंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब इसके बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ, ये कंपनी इंडियन नहीं है, पता है, नाम में है हिंदुस्तान सर, यूनिलीवर लिमिटेड, और ये कंपनी जो है ये आपकी लंदन बेस्ड है, दिल्ली अंग्रेजों की कंपनी है, जो कि इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से अपने सामान को बनाती है और बहुत कुछ बनाती है। आप कोई भी सामान खरीदेंगे देखना, नीचे में पीछे में लिखा हो रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव। हालांकि देखा जाए तो इंडिया में मैक्सिमम कंपनीज इंडियन नहीं है, ठीक है, कोलगेट ले लो या कुछ भी सर। ले लो, मैक्सिमम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्चुअली मेरे को थोड़ा इसलिए खटकता है क्योंकि इसके नाम में हिंदुस्तान है और इसके पैसे सारे बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हाँ सो सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स, अब कार्बन फुटप्रिंट्स भी होता है, बहुत तरह के फुटप्रिंट्स होते हैं, मतलब किस तरीके से कार्बन बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, या किस तरीके से जो अलग चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए वो बढ़ रही है, सो उसको रिड्यूस करना है ना, वो करने का काम जो HUL कर रही है बाई डूइंग वेरियस वर्क्स। द वेरियस सीएसआर प्रोग्राम्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड हैंड वॉशिंग बिहेवियर चेंज प्रोग्राम, है ना, हैंड वॉशिंग बिहेवियर चेंज प्रोग्राम, लोगों को कैसे हैंड वॉश करना चाहिए इस चीज को लेकर के लोगों को अवेयर करना,
है ना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक को किस तरीके से फेंकना है, कहाँ फेंकना है, ड्राई जो वेस्ट होता है उसको अलग रखना है, एंड जो सॉलिड वेस्ट, जो जो आपका वेट वेस्ट होता है उसको अलग रखना है, उस तरह की चीजों को करना। प्रोजेक्ट प्रभात एक इनका प्रोजेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, पानी को बचाना, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, है ना, अच्छा आदत रहेगा तो अच्छा भारत रहेगा, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये लोग चला रहे हैं। प्रोजेक्ट शक्ति, डोमैक्स टॉयलेट अकेडमी, है ना, डोमैक्स टॉयलेट अकेडमी, इसका नाम मैंने नहीं सुना लेकिन अकेडमी में टॉयलेट लगा है तो आई होप काफी अच्छा ही कुछ होगा, कि नाम सुन के तो थोड़ा ऑड लग रहा है लेकिन कुछ अच्छा होगा ये, ठीक है। आशा दान, संजीवनी एंड सपोर्टिंग हेल्थ केयर, दीज आर द थिंग्स दैट दे डू, और अगर इंडिया में वो लोग काम कर रहे हैं तो इनका इस तरह से काम करना तो बनता भी है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स, आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक नो सर, एवरीथिंग इज फाइन। है, ठीक पढ़ने के बाद है, जो कंफ्यूजन होगा वो पूछ लेंगे, ठीक तो श्योर श्योर श्योर, नॉट एन इशू, ठीक है। यस सर। सो सर बीच में जी असाइनमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होगा सर तो पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। ओके सर, ओके गाइस, सो पीडीएफ्स मैंने दे दिए हैं, दो पीडीएफ्स मैंने शेयर कर दिए हैं, धीरे धीरे करके बाकी की सारी भी हो जाएंगी। आप स्टडी करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछिए, और क्वेश्चन अगर होता है तो बता दीजिएगा, क्योंकि विद इन वीक, जैसे सैटरडे संडे तो हम लोग करते ही हैं, फ्राइडे को भी करते हैं, बीच में अगर मैं खाली रहूंगा तो मैं उस टाइम पे भी करा पाऊंगा। तो कोई अगर ऐसा टॉपिक होता है ओके तो आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्या सर, प्लीज शेयर कर दीजिए मेरे को अकाउंट्स का असाइनमेंट, शेयर करना है? अकाउंट्स अकाउंट्स का असाइनमेंट, वो मैंने कर दिया है, वो एमसीक्यू देखना, जीरो मैंने फाइव असाइनमेंट शेयर किया है जिसमें आपका सब कुछ है, MCO 1 से लेकर के MCO अच्छा 21, 5 भी रहेगा उसमें, अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर का इसमें सब है। ठीक सब है सब है सब है, सब कुछ है, ठीक ठीक है। आप उसको एक बार स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, सब दिखेगा। ओके ओके सर, ओके देन, ठीक है फिर अगला क्लास करते हैं, होपफुली फ्राइडे को, अगर फ्री रहा तो उससे पहले भी कर लूंगा। सो अगले क्लास में यस मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। जी सर, जी असाइनमेंट्स में दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, ठीक है सर, ओके, थैंक यू, जी जी ओके, गुड नाइट, गुड थैंक यू सर, नाइट गुड किशन, नाइट, या थैंक यू सर।